दादा वो बकरा काटने हमारे लिए दादा बहुत कमाल की चीज है। हेलो निहाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज का जो हमारा सीन है ना वो है कि कुछ खाने पकाने का, कुछ दम पुख्त हो गया, बिरयानी होगी, इस तरह का कुछ सीन है हमारा। तो अभी सबसे पहले जो हमें जाके जो गोश्त लेना है इधर से, बीफ 2 किलो, और उसके अलावा हमें जो है बिरयानी का कुछ सामान लेना है, और बिरयानी शरियानी का भी आज सीन है, और नान भी है। हाँ तो अभी मार्केट जाएंगे और फिर उसके बाद जो आगे का सीन आपको दिखाते हैं। बारिश भी हुई है थोड़ी सी आज, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा आज, लेकिन कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल है अभी इधर। तो लेट्स गो। तो ये हमारी पराठो सर, चलते हैं। किधर है? है नहीं, किधर है ये? यार ड्राइव करनी है यार, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तेरी है यार, चलो कुछ नहीं होता। खैर आज का जो मौसम है बहुत जबरदस्त है, गर्मियों के लिहाज से, लेकिन ऑसम है आज। वैसे सर्दी है, काफी सर्दी है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ऊपर वो थोड़ी फॉग भी बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ये दोस्त आया यहाँ से पिक करने, और यहाँ से हमने आगे गाड़ी पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ये हमारे आरिफ भाई, चलेंगे गोश्त लेने के लिए स्पेशल दूसरे सिटी जा रहे हैं। हाँ, असल में जहाँ पे हम लेने जा रहे हैं ना गोश्त, वो है फैक्ट्री शॉप, तो वहाँ से बहुत सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मार्केट वगैरह। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फीफा गुआंगचाओ, मतलब इसको होल सेल मार्केट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे गोश्त भी पड़ा हुआ है, ये सामने इस तरह पूरी मार्केट है, यहाँ से बहुत सस्ता मिलता है गोश्त। ये आ गई बकरे वाली दुकान, और कट्टे का भी इधर से मिलता है। ये इस तरह इनका फ्रीजिंग रूम है, इस तरह ये सारा माल, मतलब इस तरह आगे इधर इन्होंने स्टॉक किया, और इधर से जो है सारा सप्लाई होता है फिर आगे पूरे छोटी छोटी शॉप्स पे। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो बकरे का गोश्त है वो बीफ से सस्ता है, तकरीबन 10 RMB का फ़र्क है, 9-10 RMB का। 1 किलो अगर लेंगे तो तकरीबन आपको 20 RMB इसमें बचेंगे। दादा वो बकरा काटने हमारे लिए दादा मजाक कर रहे। और ये मुस्लिम हलाल शॉप है यहाँ पे, वो देखें एक कलमा भी लिखा हुआ है, तो ये मुस्लिम है। ये हमने नान लिए इतने सारे, वाह भाई ने कितने सारे ने नान, इधर वो मिलते हैं मतलब पके पकाए मिलते हैं, उसको गर्म करें और चलो भाई। और ये हमने गोश्त लिया, इसके साथ चर्बी है, और चर्बी हमने अलहदा लिए इससे दम पुख्त के लिए। एक कलेजी भी ले रहे हैं हम, पहली दफ़ा मैं ले रहा हूँ जब से चाइना आया हूँ, पाकिस्तान में ही खाई थी बस। दो ली हैं बड़ी बकरे की, बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरा गोश्त, सिर्फ 10 RMB की दो, 5 RMB की एक। तो अभी जो है हमारी होगी शॉपिंग इधर से सारी, ये सारा अभी चल के वापस चल के हमने पकाना है, और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो अभी जो है हम डोबेट्री में पहुंच चुके हैं, और अभी कुकिंग वगैरह करेंगे। तो जी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना दम पुख्त के लिए काम तैयार है। तो सबसे पहले जो है इसके नीचे चर्बी की लेयर लगाई है, और उसके बाद आलू रखे हैं, और फिर जो है नमक लगा के गोश्त को रख दिया है, और थोड़ी सी काली मिर्चें और गार्लिक भी डाला इसमें, एक हमने प्याज डाल दिया, 2 टमाटर डाले, और अभी जो है बस ये आटा तैयार है। और इसका क्योंकि ढक्कन हमारे पास नहीं है, तो ये जो है ना प्लेट, इसको हम इसके पीछे आटा लगा के और इसको बिल्कुल सील कर देंगे। जुगाड़ है भाई, यहाँ से अच्छी तरह आटा लगा दिया, और अभी जो है तकरीबन इसको 2.5 से 3 घंटे जो है ना हम इस पर पकाएंगे वो इलेक्ट्रिक चूल्हे, तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह बना। तो यहाँ पे हमारा जो है बिरयानी का सामान तैयार हो रहा है, ये चाइना में ना इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं इस तरह के, और इन्हीं के अंदर जो है सारा कुछ हम खाना वगैरह पकाते हैं। तो इसमें बिरयानी बनानी है, इसका मसाला बन रहा है, ये देखें बड़े कमाल के ये लेग पीस हो गए, ये सारा कुछ गन को इग्नोर कर दें, ऐसे
जब बना रहे होते हैं तो गंद तो डलता ही है। अभी दो दफ़ा हमने काफ़ी सारे बनाए तो दो दफ़ा इसको बनाना पड़ेगा बिरयानी को इस कुकर में, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है कोई। ये पाकिस्तानी चावल यहाँ से इजीली मिल जाते हैं और ये अभी चावल लग गए हैं इसमें, ढक्कन लगा दिया इसको और ये सिर्फ 15 मिनट पे लगाया। ये देखिए 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में तैयार होंगे चावल बिल्कुल, इतना फास्ट ये कुकिंग करता है। तो जी सारा खाना शाना रेडी हो गया, ये सारा कुछ, तो ये हमारी आज की गैदरिंग है सारे कुछ टीचर्स वगैरह हैं। ये स्पेशल चीज़ है गुलाब जामुन और इसके अंदर खोया लगाया हुआ है, और ये बांग्लादेश से टीचर हैं, उनकी वाइफ ने तैयार की है और ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये हमारा तैयार हो गया दामपुर, सभी जो इसको उतारने दम उतारे तो ये हमारा जो दम पुख्त है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये जो हमारा आज का दम पुख्त है बहुत ही जबरदस्त स्टैंडर्ड है, सॉफ्ट एवरीथिंग जो है ना, हर चीज गल छल गई है, सारा कुछ बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी ये हमारा दम पुख्त और ये हमारा सैलेड, ये इसके साथ नान है, ये आपको बिरयानी भी दिखाते हैं। वाह जी वाह, तो ये हमारी जो है इसके साथ बिरयानी है, बहुत कमाल कॉम्बिनेशन है ये सारा। चलें जी सर्व करें। ये भी है यार बंदा, इस बंदे ने बहुत काम किया, ये कस्टर्ड वाला शेफ है। तो ये था जी हमारा आज का सीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेवल का हुआ है, बहुत जबरदस्त सारी चीजें, बहुत मजे की थी। स्पेशली जो दम पुख्त था वो मैंने बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का बना था। और जो मैंने सबसे ज्यादा मजे की चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है 3 साल के बाद, आज खाए थे हमने रसगुल्ले, ओए होए होए क्या चस्क रही है। बांग्लादेश की फैमिली थी, टीचर थे, उनकी वाइफ ने बनाई थी, बहुत कमाल के थे, मैं 6-7 खा गया हूँ यकीन करें वैसे आज। तो आज की जो वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।